नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत राजपूत स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में। और कैसे हैं आप सब है? और जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, तो इनको आज मैं जो है कि डोनेट करने वाला हूं। जो रोड साइड पे लोग रहते हैं उनको जाके मैं दूंगा। और कुछ तो कपड़े ये मेरे पास थे और कुछ मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे डोनेट दिया था, क्योंकि उनको पता है कि मैं गरीब लोगों के लिए मतलब कपड़े इकट्ठा करके फिर उनको डोनेट करता हूँ। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या पुराने जो मेरे जानने वाले हैं उनको भी ये पता है। और नए सब्सक्राइबर जो उनको मैं बता दूँ कि मैं एक गरीब लोगों के लिए एनजीओ चलाता हूँ, जिसमें जो भी आपके घर का यूज सामान हो जो आपके काम के नहीं है तो वो चीज़ आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। देन मैं उसको जो रोड साइड लोग रहते हैं, जो रोड के किनारे पर लोग रहते हैं जिनके रहने के लिए घर नहीं है, उनको मैं डोनेट करके आता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी आपके पास सामान है, हम क्या करते हैं 2 महीने 3 महीने में हम अपने कपड़े जूते चेंज कर देते हैं, वो फटे भी नहीं होते, अच्छे कंडीशन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसे कूड़े में डाल देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपने किसी भी सिटी में है, आप किसी भी शहर में रहते हैं, आप बाइक से निकलते हैं, कार से निकलते हैं, आपको बहुत सारे गरीब मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उनको डोनेट करके आइएगा, ठीक है? क्योंकि कूड़े में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, गंदगी फैलेगा, कचरा होगा। तो उससे अच्छा है कि आप वो जो भी आपके पास सामान है आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो उसमें आपको मतलब दुआ भी मिलेगा और किसी के काम भी आ जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मैं और मेरा जो बेटा है हम लोग ये कपड़े सारे इकट्ठा कर रहे हैं, और ये रात को जाके मैं जो भी रोड साइड पे लोग रहते हैं उनको मैं ये डोनेट करके आऊँगा। और फिर से आपको भी अगर आपको ये डोनेट करना हो, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, देन मैं आपको कॉल करके आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। और रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास कुछ भी पुराना सामान हो प्लीज़ फेंकिए मत उसको, गंदगी हो उससे और गंदगी फैलेगा, डोनेट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।